हाय वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको शाही लज़्ज़त में बताने जा रहे हैं लेफ्ट ओवर राइस से दो रेसिपी और दो ज़ात की हम अलग अलग चटनी बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे जो बचे हुए चावल हैं यहाँ पर, वो मुझे चाहिए। लेफ्ट ओवर राइस की रेसिपी है, बेकिंग सोडा चाहिए मुझे, चॉप शिमला मिर्ची ली हूँ मैंने, हरा धनिया ली हूँ मैं, इसके आधे चावल लूँगी क्योंकि हम दो रेसिपी बनाएंगे, तो इसके आधे चावल लूँगी। मुझे उसके लिए 2 टेबलस्पून रवा चाहिए, 4 टेबलस्पून दही चाहिए, ज़्यादा मिर्ची है लेकिन मैं 7-8 इसकी आधी मिर्ची लूँगी मैंने, ठीक है। मैं इसमें से आधी मिर्ची लूँगी चॉप्ड। और ये तड़के के लिए राई, कड़ी पत्ता और लहसुन रखी। सबसे पहले हम मिक्सर में 1/2 राइस डाल देंगे। हम ये राइस के अंदर 1/2 कप जितना पानी डालेंगे और पहले इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद आप आगे बताते हैं। देखो हमने ये अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लिया। मुझे और 2-3 टेबलस्पून वाटर लगा था, मैंने वो डाली। आपको यानी ऐसा इतना थिक ये बनाना है पेस्ट, ठीक है। इसके अंदर अभी हम डाल देंगे दही, 4 टेबलस्पून हम दही डाल देंगे इसके अंदर। बीट करा हुआ अच्छा एकदम थिक योगर्ट लेना है हमको, पतला नहीं लेना है, ठीक है। इसके अंदर ये मेजरमेंट्स हैं 2 टेबलस्पून, ये हम डाल देंगे, थोड़ा इस तरह से करके डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर आधी हरी मिर्ची डाल देंगे, नमक, पहले चावल में भी नमक था इस हिसाब से देखकर डालना। शिमला मिर्ची आधी डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म को रखी हूँ। इसके अंदर हम पहले राई डाल देंगे तड़के में। राई 1 टेबलस्पून भर के डाली हूँ मैंने, क्योंकि राई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो अच्छा तड़कने देने का राई को। और इसके अंदर हम लहसुन डाल देंगे, और इसके अंदर हम कड़ी पत्ता डाल देंगे और उसको थोड़ा गोल्डन होने देंगे। ये देखो हमारा ये गार्लिक ने ऐसा कलर चेंज कर लिया। अभी हम ये इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और मुझे 2-3 टेबलस्पून जितना पानी चाहिए, तो मैं ये फ्राई पैन में डालकर सारा जो राई वगैरह बचा हुआ है वो सब ले लूँगी, ठीक है। मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो यहाँ हमने अब पे पैन रख चुके हैं और इसमें एक तरफ तेल डाल के सब में इसमें हम ऐसे ब्रश से ऑयल फैला देंगे, ठीक है। ये देखो इसको गर्म होने देंगे। इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, अच्छे से क्रीमी टेक्सचर आना चाहिए ये पेस्ट का, एकदम स्मूथ। थोड़ा थोड़ा हम हिसाब से डालेंगे। ये देखो अब फ्लेम को एकदम लो ही रखेंगे, फ्लेम को नहीं हम बढ़ाएंगे, ठीक है। एकदम कम तेल में एकदम ज़बरदस्त रेसिपी, लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए। हमने इसको कवर कर दिया और फ्लेम लो है जब तक हम इसकी चटनी बनाते हैं। ये देखो मैं लाल मिर्ची की चटनी बना रही हूँ, लाल मिर्ची और इमली की। मैंने 40 लखी लाल मिर्ची ली हूँ, उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून जितनी इमली लेकर पानी में धोकर भिगो दी हूँ। 10 से 12 कली मैंने लहसुन ली हूँ, बहुत बड़ी बड़ी कली थी तो मैंने इसको चॉप कर ली हूँ। 1 टीस्पून शुगर ली हूँ और सॉल्ट हमारे हिसाब से हम डालेंगे और अब इसको हम ग्राइंड करेंगे, ठीक है। इसमें 2 टेबलस्पून जितना हम और पानी डालेंगे, ठीक है। देखो ये कितनी अच्छी चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। एकदम ज़बरदस्त चटनी बन गई है। हम दोनों तरफ ये रेड चटनी रखेंगे, बीच में ग्रीन चटनी रखेंगे। देखो ये हो चुके हैं, अभी इसको हम ऐसे ऐसे से टर्न कर देंगे, ठीक है। इधर हम देखें कितने कम तेल में ये रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब कवर नहीं करेंगे हम इसको, ठीक है, क्योंकि हम कवर करेंगे ना तो स्टिकी हो जाएंगे। ये राइस है तो इसको हम ऐसा ही पकाएंगे और जब ये बन जाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो हमारे पे हो चुके रेडी लेफ्ट ओवर राइस से हमने बनाए,
अपना करारा नाश्ता। अभी और एक चीज़ हम आपको बनाकर बताएंगे। हमारी एक चटनी भी रेडी हो चुकी है। अभी हम एक कैरी और पुदीने की चटनी बनाएंगे। अभी हम ये दूसरी चटनी बना रहे हैं, ठीक है। हमने दो कैरी लिया, कच्ची कैरी, उसको चॉप कर लिया। 10 से 12 मैंने लहसुन की जवे ली हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने पुदीना ली हूँ। 7-8 हरी मिर्ची ली हूँ। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ली हूँ और 10 से 12 कड़ी पत्ते के टुकड़े ली हूँ, ठीक है। हम ये हरी चटनी आपको बना के और बताते हैं। बहुत ज़बरदस्त दोनों भी चटनी है अपनी अपनी जगह। अगर आपकी मर्ज़ी है, आपको चटनी बनाना है तो बनाएं, वरना और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम डालेंगे। आप ये चीज़ें टमाटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं अगर आपको नहीं बनाना है तो। लेकिन हमारे घर में चटनी पसंद करते बोल के मैं, और 2-3 टेबलस्पून हम इसमें पानी डाल के हम इसको ग्राइंड करेंगे और आगे आपको बता। ये देखो हमारी चटनी, हरी चटनी तैयार होगी, पुदीने और कैरी की, कच्ची कैरी की, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त चटनी बनी है ये। एक थोड़ी मीठी है रेड चिली वाली और ये एकदम खट्टी है। देखो दोनों चटनी रेडी हो गई। अब एक और हम लोग लेफ्ट ओवर राइस से नाश्ता बनाते हैं और आपको बताते हैं। इसमें बेसन, दही और अभी हमने नमक भी डाल दिया, ठीक है ना। अब एक पिंच हल्दी डाल देंगे, थोड़े ये येल्लो कलर के रहेंगे हमारे। एक टीस्पून जितना हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 टीस्पून, ठीक है। ये शिमला मिर्ची हम इसके अंदर डाल देंगे, हरी मिर्ची, हरा धनिया, ये सब हम इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो राइस हमने बचाए थे वो भी डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखो 15 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करके रख दिए थे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे इसको, मेरे पास एक ऐसी रिंग है, आपके पास अगर रिंग नहीं है तो आप लोग छोटे छोटे चीले डाल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास रिंग है तो मैंने थोड़ा सी ब्रशिंग करी हूँ, ऑयल का ब्रश सही करी हूँ और इसके अंदर ये, ठीक है, छोटे छोटे अच्छे, बहुत ज़्यादा थिक नहीं, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं, इसके अंदर डाल के हम रख देंगे और इसको लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे और इसके बाद आगे आप ये देखो, देखिए अपने, और इसको इस तरह से हम और इसको बहुत कम तेल में हमने बनाया। देखो कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, मेरे अच्छे से हमको अच्छा गोल्डन करना है और इसको हम, ठीक है, निकाल देंगे। हमने इसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑयल डाले, ठीक है। फिर हम अभी दूसरा डाल देंगे, 2 टेबलस्पून हमको, टेबलस्पून से ज़्यादा बड़ा ही, 3 टेबलस्पून जितना डालेंगे तो हमारा ये मेजरमेंट सही रहेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, न्यू कमर्स, और बेल आइकन को हिट कीजिए। इंशाल्लाह रहमान आपको नई नई रेसिपीज मिलती रहेंगी। और वाकई में मेरा चैनल अच्छा है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में बताइए। देखो 2 से 3 मिनट हमको लग चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये पहले निकालेंगे रिंग, बहुत संभल कर निकालना, ठीक है, अगर आप रिंग में बना रहे तो। और अगर रिंग में नहीं बना रहे तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। देखो रिंग में ज़रा हमको रिंग को ऐसा छुट्टा कर देना है, रिंग को ऐसे निकाल देना हमको, ठीक है। अच्छे से पलट देना। अब ये हो रहा है, हम बगैर रिंग के भी आपको डाल के बता देते हैं। मैंने 2 रिंग के साथ आपको बता दी हूँ, एक बगैर रिंग के, सबके अगर रिंग तो नहीं होंगी तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर बगैर रिंग छोटे छोटे ही डालना है हमको, ये देखो, और इससे भी रिंग से भी और अच्छे बन जाएंगे। छोटे छोटे हम 2-3 डाल देंगे, ये देखो, सिर्फ 1.5 टेबल स्पून, ये बड़ा स्पून है, 1.5 टेबल स्पून जितना। और इसके ऊपर हम थोड़ा 2-2 ड्रॉप जितना सब तरफ से थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे ताकि अच्छे से पक जाए, ठीक है। आगे आपको अभी हमने इसको कवर नहीं करे थे, हमने इस बहुत छोटे छोटे डाले इसलिए हमने इसको कवर नहीं करे थे, ठीक है ना। अभी हम एक पलटा कर देखते,
एक इसको कम से कम लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट लग रहे बनने के लिए। ये देखो, और ज़्यादा डार्क करना है तो आप कर सकते हैं, तेल मगर हमको बहुत कम डालना है। ये देखो सारे हम बनाएंगे। आप देखो कितने अच्छे कलर आ चुके हैं दोनों तरफ से। ये देखो बगैर रिंग के भी हमने इतने छोटे छोटे पैनकेक बना लिए, ठीक है ना। आप लोग भी ऐसे ही बनाना और मुझे ज़रूर बताना कि कैसे बने थे लेफ्ट ओवर राइस से। और आप लोग ये बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, सिर्फ इसमें आपको हरी मिर्ची नहीं डालना है, हरी मिर्ची स्किप कर देना है। आप लोग ज़रूर बनाना और मुझे बताना। अल्लाह हाफिज़।